हेलो प्यारे बच्चों, मैं रणजीत सिंह मैथ मास्टर। इस वीडियो दे विच थोड़े लिए दो घात की समीकरण किस तरह हल करना है ये लेके आया हाँ। हुण असीं देखते हाँ कि दो घात की समीकरण हुंदी की है। वो समीकरण जिस दे विच वेरिएबल जां चल दी घात जिहड़ी होवे वह दो वध तों वध दो होवे उस नूं असीं दो घात की समीकरण कहिंदे हाँ। जिस तरह 5x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर है 0, आ एक समीकरण है। इस दे विच चल जड़ा है वेरिएबल है वो x है, तो x दी बहुत तो बहुत घात इहदे विच समीकरण दे विच 2 है, इसलिए इस नूं दो घाती समीकरण कहिंदे हन। इस दे नाल ही असीं थोड़ा होर कोशिश करते हाँ कि दो घाती ते एक घाती समीकरण विच की फर्क हुंदा है। जे मैं लिख दवां 2x प्लस 3 बराबर है 5, आ एक समीकरण है। इस दे विच x दी जिहड़ी घात है चल दी घात है वो एक है, इसलिए इस नूं असीं दो घाती समीकरण नहीं कह सकते, ये है एक घात वाली समीकरण, जां इसनूं असीं कहिंदे हाँ रेखी समीकरण। रेखी समीकरण ते दो घात वाली समीकरण दी तुहानूं पता है कि घात जिहड़ी है दो होवे। कोई भी समीकरण जिहड़ी है उस दे विच चल जिहड़ा है वह एक्स भी हो सकता है, वाई विच भी हो सकता है। जे लिखा मैं 2y² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2y² प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण भी जिहड़ी है ये दो घाती है, पर इहदे विच चल जिहड़ा है वेरिएबल जिहड़ा है वह वाई है। ये उपर वाली समीकरण दे विच वेरिएबल जिहड़ा सी एक्स सी। ते हुण असीं देखदे हाँ कि दो घाती समीकरण का स्टैंडर्ड रूप जिहड़ा है म्यारी रूप है वह किहड़ा हुंदा है। दो घाती समीकरण का जिहड़ा म्यारी रूप है वह हुंदा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आ जिहड़ा है दो घाती समीकरण का म्यारी रूप हुंदा है। इस दे विच abc जिहड़े हुंदे हन वह कॉन्सटेंट हुंदे हन, ते जो x है वह जिहड़ा है वह वेरिएबल है, ते ए जिहड़ा है वह कदे भी 0 नहीं हो सकता। ए इस दी कंडीशन है, क्योंकि जे ए 0 हो गया तो x² वाले जिहड़े टर्म है ये 0 बन जाएगी, फिर तो समीकरण आ ही रह जाएगी, 2bx प्लस c ही रह जाएगी, तो bx प्लस c जिहड़ी है वह दो घाती समीकरण नहीं रही, फिर तो वह रेखी समीकरण बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन जिहड़ी है वह बन जाएगी। तो इस दे विच बी ते सी जिहड़े हन वह 0 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बी ते सी जिहड़े आ उहदे विच होने जरूरी हैं। सिर्फ ए जिहड़ा है एक्स दी घात 2 वाला जो कॉन्सटेंट है वह बिल्कुल जरूरी होना चाहिए है, तो बाकी जिहड़े 0 भी हो सकते, कोई वैल्यू भी हो सकती है, पूर्णांक भी कोई हो सकता है, प्रमेय संख्या भी हो सकती है, इन्हां दी जिहड़ी वैल्यू है प्योर क्यू भी हो सकती है, तो कोई भी जिहड़ी है वास्तविक संख्या उहदी वैल्यू हो सकती है। तो हुण आपां देखदे हाँ कि कोई समीकरण जिहड़ी दो घाती है जां नहीं है। तो हुण असीं एक सम करदे हाँ 4.1 का, फस्ट जिहड़ा सम है। आ एक साडे कोल समीकरण दित्ती हुई है, इस नूं असीं जांच करना, जांच करोगे ये दो घाती समीकरण है जां नहीं, चैक करना। असीं पहले असीं इहनूं सोल्व करांगे, इस नूं सोल्व करके इस दा म्यारी रूप बनाउण दी कोशिश करांगे, म्यारी रूप बना के फिर असीं इहदे नाल कंपेयर करांगे, फिर देखांगे कि इस दे विच कि वेरिएबल जो है चल है उसकी घात किन्नी है, वध तों वध किन्नी घात है। जे तां उह 2 हो गई तां इहदा मतलब इह दो घाती समीकरण है, जे 2 नहीं हुई 1 रह गई जां 3 हो गई तां इहदा मतलब वह दो घाती समीकरण नहीं है। आओ इस नूं असीं सोल्व करदे हां। x प्लस 1 का होल स्केयर जिहड़ा है
इस नू सोल्व करना है पहला लेफ्ट हैंड साइड नू। ए सानू पता है पहला भी सम कीते हन, जे ए प्लस बी दोनों दा होवे होल स्केयर, ए प्लस बी दा होल स्केयर होवे तां असीं इस नू कितना सोल्व करदे हां, पहला ए दा स्केयर प्लस 2ab प्लस बी दा स्केयर, इस फार्मूले दे नाल इसनू सोल्व करदे हां, जां इस नू इदां भी लिख देंदे हन ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज प्लस 2ab, चाहे ए लिख लो चाहे ए लिख लो दोनों विचों सेम ही जिहड़ी है वो गल है। तो हुण है इहनू जदों सोल्व करना, पहला एक्स दा स्केयर इस नू सोल्व करांगे, पहला करांगे एक्स दा स्केयर प्लस 2ab, टू फार्मूले का ये आना ही है, मल्टीप्लाई एना विचों फर्स्ट है एक्स, मल्टीप्लाई बी मतलब बाद वाला वन है, 2ab हो गया प्लस बी स्केयर, बी स्केयर मतलब जो बाद विच है यानी कि वन वन का स्केयर, ये हुण इहदा सोल्व हो गया। तो राइट साइड पर इज इक्वल टू राइट साइड, इस ब्रैकट नूं भी असीं खोल लवांगे, इहनूं सोल्व करांगे, जो ब्रैकट तो बाहर है ब्रैकट नाले इहदे विच कोई चिन्ह नहीं है, जे ब्रैकट अते किसे बाहरले दे विच डिजिट दे विच नंबर दे विच कोई चिन्ह ना होवे दा मतलब अंडरस्टूड हुंदा है कि दोनों दी मल्टीप्लाई हुंदी है, ते उस नंबर नूं आपां अंदरले जिन्ने भी टर्म्स हैगियां अंदरले जिन्ने भी पद हैगे उन्हां सारे दे नाल कल्ले कल्ले नाल मल्टीप्लाई करना है। हुण इत्थे इस ब्रैकट दे विच दो टर्म्स हन ते बाहर कल्ला दो है, ते दो नूं दोवां नाल बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, ते वो सारे जिहड़े प्लस होई जाणे हन, ते दो नूं पहले एक्स नाल मल्टीप्लाई करांगे तां सानूं पता है 2x बन जाता है, ते फिर प्लस दो दी मल्टीप्लाई होनी -3 दे नाल, दो नूं जे असीं -3 नाल मल्टीप्लाई करिए 3 2 6 यानी कि वो -6 बनते हैं। तो अगले स्टेप में फिर असीं इहनूं सोल्व कर लवांगे। तो हुण ये बन गया हैगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 x 1, ये जो नंबर हैं उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो, 2 x 1 2 ते नाल एक्स लग गए, आंसर आ गया 2x प्लस 1 का स्केयर 1 x 1 1 ही होंगे है इज इक्वल टू 2x। तो आ प्लस ते माइनस जोड़े है जो भी कोई दो चिन्ह जोड़े कट्ठे होन, ते मैं शायद पहला भी दस्या है कि जे तो वह दोवें प्लस प्लस दे होन चिन्ह उन्हों की मल्टीप्लाई हो जाए तो जोड़ा है ओवरऑल प्लस बनता है, तो जे दोवें माइनस माइनस दे होन उन्हां दे विचकार मल्टीप्लाई हो जाए दोनों की तां भी जिहड़ा है प्लस बनता है। तो जेकर एक होवे प्लस का तो दूजा होवे माइनस का, दो चिन्ह एक प्लस का तो दूजा माइनस का, दे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए तो जिहड़ा ओवरऑल साइन जिहड़ा बनता वो माइनस बनता है, इन दोनों का रिजल्टेंट माइनस बनता है, चाहे माइनस पहला होवे प्लस बाद विचों होवे, तो जाने के जे दोवें सेम साइन दे मल्टीप्लाई होवे तां प्लस बनता है, जे दोनों डिफरेंट होवे एक प्लस एक माइनस तां जिहड़ा उन्हां दा रिजल्ट है माइनस बनता है। तो हुण इत्थे दोवें जिहड़े साइन आ उन्हां डिफरेंट हैं, इहदा मतलब इन्हां दोनों का रिजल्ट क्या बन जूगा माइनस -6। तो असीं अपने दिमाग दे विच आ स्टैंडर्ड समीकरण रखनी है, इहनूं इस तरह का बनाना है, यानी कि राइट साइड ते असीं जीरो लियाना है, तो इहदा मतलब राइट साइड दे टर्म्स नूं जिहड़े असीं दूजी साइड लैके जाना है। तो ये बन गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, आ 2x इधर लिया, इधर ये प्लस होंगे 2x, इधर जाके -2x हो गए, तो आ 6 जेडे इधर माइनस होंगे तो इधर जाके वो प्लस दे हो गए, प्लस 6 इज इक्वल टू फिर इधर क्या बचे साढ़े को 0, कुछ भी नहीं बचे 0 बचे। तो हूँ असी ये जड़िया टर्म्स है इक्वल टर्म्स है उन्होंने जो गुणांक हैं उन्होंने असी सोल्व कर लेना है, आ 2x है तो एक आ 2x है यानी कि इन दोनों एक्स एक्स लगता है, इसलिए ये जी है दोवां का आपस के जोड़ या घटा जो साइन है इन्हों के आपस से वो हिसाब न हो जाएगा, आ 2x प्लस दे हैं आ 2x माइनस दे हैं, तो इन्होंने दोनों जो रिजल्टेंट क्या बन गया 0 यानी कि कैंसल हो गए। जे आ हो 5 -5 सानू पता है एक 5 जिहड़े प्लस दे हन एक 5 माइनस दे हन, इन्हों का रिजल्टेंट जिहड़ा है 0 आ जाए। इसी तरह 2x उही टर्म जे प्लस की होवे तो उही टर्म माइनस की होवे तो उन्होंने दोनों नूं कट के जिहड़ा 0 बन जाता है। तो फिर होर साडे कोल क्या बचे साडे कोल इत्थे एक्स स्क्वेयर, तो आ 6 प्लस दे हन 1 भी प्लस का है
इस करके इन दोनों का जोड़ 6x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो हूँ असं देखा कि यह समीकरण इस तरह की बन गई है। हाँ बन गई है, पर ये थोड़ा जहा फर्क रहा है। वो क्या है कि ये एक्स वाली जी टर्म है वह मिस है, पर असी इस इदा द बना सकते हाँ, क्योंकि x² है ये तो ठीक है। x² + bxy टर्म नहीं है, असं इतने लगा 0x + 7 इज इक्वल टू 0। हूँ देखो थोड़ा पहला भी दसिया कि दो घाती समीकरण जी है x² का गुणा, यानी कि x^2 जो है वह गुणा कोई ना कोई होना चाहिए है। तो बाकी चाहे बी नाले सी ना भी होन तां वी उह दो घाती समीकरण है। इसलिए हूँ आ जी समीकरण है ये स्टैंडर्ड रूप के नाल मिल गई है, इसलिए असं कहांगे हाँ जी है भी ये एक दो घाती समीकरण, दो घाती समीकरण है, ये एक दो घाती समीकरण है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो दे विच कुछ कमियां हो सकदियां हन। इन्हां कमियां नूं दूर करन लई मैनूं तुहाडे सुझावां दी अते तुहाडी फीडबैक दी बहुत लोड़ है। कृपा करके मैनूं अपने सुझाव जरूर दिओ तां कि इन्हां दे विच सुधार कीता जा सके। ते मेरा हौसला वधाउण लई मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू।